देख रहा हूँ हैंडहेल्ड गेमिंग मतलब देखो दुनिया कितनी छोटी है। What's up everybody? Welcome back to another video. डर के आपको डर लग रहा है? कह रहे भाई साहब नशा हो गया। अब मैं ये एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूँ? यहाँ बैलेंस नहीं बन रहा, गेमिंग कैसे करेंगे भैया? तो भाई हमें इनवाइट किया है लिनोवो ने अपने लीजन एशिया पैसिफिक टूर के लिए जो सिंगापुर में हो रहा है, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ। और भाई तुम बिल्डिंग्स देख रहे हो यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल। और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और ये होटल का जो रिसेप्शन है ना भाई, ये 12th फ्लोर पे बना रखा है इन्होंने, पता नहीं किस हिसाब किताब से नक्शा बना रखा था। और ये रहा हमारा होटल रूम, और होटल रूम देख सकते हो आप काफी सुंदर सा है। और यहाँ पे हमारे लिए रख रखे इन्होंने वेलकम गिफ्ट, जिसके अंदर से मिलेगा हमारे को एक वेलकम कार्ड। शिवम भाई साहब क्या है, हेलो चेक 1 2 3 टीम लीजन बाय। एक निकल जाएगी डायरी हिसाब किताब करने के लिए, एक मिल गया पेन, एक आईडी कार्ड होल्डर जो भाई उसके ऊपर भी लीजन लिखा हुआ है, और नीचे से मिल जाएगी एक कैप, एक ठंडा पानी बोतल और एक टी शर्ट। वाओ, लीजन प्लस इंटेल इजिक्वल्स टू, कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद बैठ गए हम अपने टेम्पो में जाके अपने इवेंट के लिए, आई मीन बस में। और तुम्हारा भाई फुल सूट बूट पहन के एकदम टीटी बन के जा रहे हैं लिनोवो के इवेंट के अंदर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पे कर रखा था भाई, पूरी दुनिया से क्रिएटर यहाँ पे आ रखे थे दूर दूर से, अलग अलग कंट्री से। और यहाँ पे खाने पानी का जुगाड़ भी इन्होंने कर रखा था, कह रहे कुछ भूख लगे तो खा लेना। और यहाँ पे हम कुछ दूसरे क्रिएटर से भी मिले। एक बार वीडियो की तरह चिल्ला के दिखाओ। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत जोर से बात करता हूँ भाई मैं, चिल्ला क्यों, आराम से बात करो, सुनाइए साहब। तो भाई आ गए हैं हम लिनोवो के लॉन्च इवेंट पे। यहाँ पे इनका लॉन्च होने वाला है लेटेस्ट लिनोवो लीजन 9 आई लैपटॉप, और उसके अंदर भाई पूरा फ्लैगशिप मामला है, फ्लैगशिप ग्राफिक्स कार्ड। और कह रहे हैं कि भाई साहब उसका वेट 2.5 केजीज है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो हम भी आगे बताएंगे आपको। और यहाँ पे लॉन्च होने वाला है लिनोवो लीजन गो, जो इनका हैंडहेल्ड गेमिंग पीसी है भाई। हैंडहेल्ड गेमिंग पीसी मतलब अल्टीमेट गेमिंग पीसी है बोल रहे हैं कि, मतलब जितना आज तक आ गया ना उसके ऊपर सबसे ऊपर लिनोवो वालों का है। मैंने कहा ऐसे कैसे, वो हम देख के बताएंगे। और जैसे कि इन्होंने बोला है कि इमर्सिव एक्सपीरियंस देंगे आपको। अब इमर्सिव कैसे होगा, कह रहे गेम खेलो चश्मा लगा लो। कुछ भी, गेम खेलने से चश्मा लगता है वो बात अलग है, लेकिन चश्मा लगा के गेम खेलने का अलग ही मजा है भैया। वीआर वाला सिस्टम नहीं है, एआर ग्लासेस भी ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप अपने लीजन गो पे भी लगा सकते हो, लैपटॉप पे भी लगा सकते हो, फोन पे लगाना हो और लगाओ, लेट के चलते फिरते जहां मर्जी, मतलब गेम के अंदर घुस जाओ। और यहाँ खोल दिया इन्होंने भाई पिटारा, दुनिया भाग चुकी है। हम फर्स्ट एयरपोर्ट वाला सीन मंगा रखा भाई, कह रहे कहीं बैठ के गेम खेल दो, स्केटबोर्ड चलाते चलाते गेम खेल लो। डेडिकेटेड एरिया बना रखा है, बिल्कुल जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, आपको गेम वगैरह खेलना हो, यहाँ पे फ्लाइट की सीट्स बना रखी हैं, लोग बैठ के गेम खेल रहे हैं भाई। लगेज भी रख दिया इन्होंने, पता नहीं किसका उठा ला है। यहाँ पे देख लो फुल कंपैरिजन किया जा रहा है भैया, कह रहे स्टीम डेक लगा दो बगल में, ये बीच में हमारा लीजन गो है, और ये रहा आरओजी वाला भाई, बच्चा लग रहा है उसके सामने भाई। तो भाई ये रहा हमारा लीजन गो हमारे हाथों में ऑन द गो। और भाई डिवाइस देख रहे हो क्या तगड़ी है, इन्होंने क्या करा है ना, निंटेंडो स्विच ओलेड और एसुस आरओजी एलआई और स्टीम डेक का मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रैक पैड देखो हमारे को मिल गया। और निंटेंडो स्विच ओलेड में क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे डिटैचेबल कंट्रोलर हमारे को मिल जाते हैं। और जैसे कि ROG Ally में डिस्प्ले कितनी छोटी थी, यहाँ पे 8.8 इंचेस की फुल टच कितनी बड़ी डिस्प्ले है। और भाई डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 निट्स, यहाँ पे लैपटॉप में 250-300 निट्स से ऊपर नहीं जा पा रहे, और यहाँ पे छोटे से हैंडहेल्ड पीसी के अंदर 500 निट्स, भाई कुछ भी कहो डिस्प्ले लग तगड़ी रही है। और भाई जो उसका ट्रैक पैड है ना, उसको जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ना हल्की हल्की वाइब्रेशन हैप्टिक्स फील हो रहा है इसके अंदर। और भाई जैसे कि हमारी गेमिंग डिवाइस है, यहाँ पे लाइटों का इफेक्ट तो मिलना जरूरी है, यहाँ पे देख रहे हो आप ग्रीन कलर की लाइट्स आ रही है, इसको हम यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डायनामिक कलर किया। और भाई यहाँ पे RGB जलनी शुरू हो चुकी है, सारे कलर चेंज हो रहे हैं, FPS मिलेंगे फुल पावर। तो भाई यहाँ पे लीजन गो हमारा कनेक्ट हो रखा है बड़ी स्क्रीन के साथ, और आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल कॉम्बैट 11 चल रहा है इसके अंदर। एंड इस लीजन गो के साथ मैंने कंट्रोलर भी कनेक्ट कर रखा है, और कंट्रोलर नेटिवली सपोर्ट करता है, तो पूरी वाइब्रेशन वगैरह वाली वाइब भी आ रही है, और फुल कंसोल लेवल गेमिंग यहाँ पे हो रही है भाई। एक चीज मैं बताऊं, जिसके अंदर फ्रेम रेट है ना वो भाई काफी तगड़ा आ रहा है, ऐसा मतलब लैग वैग नहीं हो रहा गेम, आप देख सकते हो क्या बढ़िया स्मूथ गेम प्ले चल रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे ना दोनों डिस्प्ले रेंडर हो रही है, लीजन गो के ऊपर भी डिस्प्ले शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो कर रहा है, तब भी गेम के अंदर कोई लैग नहीं है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. और जैसे ही लीजन को हमारी हैंडल डिवाइस है, आप कहीं पे भी गेमिंग कर सकते हो, स्केटिंग करते हुए गेमिंग करो, यहाँ बैलेंस नहीं बन रहा, गेमिंग कैसे करेंगे भैया।
तो भाई यहाँ पे पूरा बढ़िया एक्सपीरियंस जोन बना रखा उन्होंने, एकदम ऐसे ना जैसे फ्लाइट में बैठे हो आप, फ्लाइट की सीट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे बाहर बढ़िया वादियां चल रही हैं, बाहर खुला आसमान दिखाई दे रहा है और ऐसे में बैठ के फ्लाइट में खेलो आप गेम लीजन गो पे। भाई मैं तो हैरान हूँ क्या बढ़िया स्क्रीन लगा रखी है उन्होंने यहाँ पे, ऐसा लग रहा मैं सच में फ्लाइट में बैठा हूँ यार। और ये हमारा लीजन गो डिवाइस है और भाई हाथों में बड़ी बड़ी गेमिंग। तो भाई कंट्रोलर जब निकाल लेंगे इसके अंदर से तो यहाँ पे ना इसके साथ एक स्टैंड मिलेगा, ये आप इसको स्टैंड वैसे रख के इस पर अटैच कर सकते हो और ये मैग्नेटिकली ऐसे फिट हो जाता है इसके साथ। और नीचे ना यहाँ पे बटन दे रखा है, एक तो नॉर्मल मोड है, ऑफ वाला मोड हो गया जिसके अंदर आप इसका अटैच रहेगा ना तब ऑन करना है, अगर बाहर निकाल देते ना तो एक FPS मोड दिखाता है जिसके अंदर ये ऐसे रख के आप देख सकते हो पूरा मेरा कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है और ये मेरा लेफ्ट कंट्रोलर हो गया और आराम से मैं यहाँ पे गेम खेल सकता हूँ। गेम चला दिया हमने लाइफ ऑफ पी। और जब हम इसको वर्टिकल पोजीशन में रख लेंगे ना, यहाँ पे M1 M2 वाले बटन जो हो गए ये हमारे फ्रंट कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके अलावा लेफ्ट कंट्रोल से हमारे जॉयस्टिक यूज होगी, डीपैड यूज हो जाएगा एंड ये ट्रिगर्स भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी गेम में देखते हैं कौन कौन से बटन काम में आएंगे कौन से नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारी गेम चल चुकी है, अब यहाँ पे लेफ्ट वाले डीपैड से मैं बंदा मूव कर पा रहा हूँ और यहाँ पे लेफ्ट राइट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल माउस की तरह काम कर रहा है ये। और ये ऊपर वाला बटन हमारा लेफ्ट क्लिक हो गया और नीचे वाला बटन हमारा राइट क्लिक हो गया। और यहाँ पे हो गई लड़ाई भैया बहुत खतरनाक वाली, आ जाओ और लड़ लो। अब यहाँ पे एक चीज होना जो नोटिस करी है ना, यहाँ पे अभी भी ना कीबोर्ड कंट्रोल शो कर रहा है, लाइक टी दबा दो या जी दबा लो, इधर भी अगर ऊपर देखते हैं ना तो एस्केप शिफ्ट स्पेस वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, तो अभी भी ये एज अ कीबोर्ड डिटेक्ट कर रहा है, जबकि मेरे को उम्मीद थी कि कंट्रोलर की तरह डिटेक्ट करता तो ज्यादा बढ़िया था, तो हमारे को कंट्रोल्स वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। और भाई यहाँ पे सारी की सारी डिवाइसेस इन्होंने लगा रखी हैं, ये है लीजन गो और इसको पकड़ा है हमारे विमल भाई ने। हे गाइस इट्स विमल हियर, सो दिस इज लीजन गो एंड यहाँ पे सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दीज आर लीजन ग्लासेस। भाई ये कह रहे हैं स्टीरियो ऑडियो दे देंगे, हाई कंट्रास्ट रेशियो, 60 FPS, माइक्रो ओलेड। और भाई सीरियसली मेरे को लग रहा था काफी भारी ग्लासेस होंगे क्योंकि भाई AR VR वाला सिस्टम है, ये काफी लाइट वेट है यार, मैं चश्मे के ऊपर चश्मा लगा रहा हूँ। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, यहाँ लगा के फायदा नहीं है, दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पे तार छोटी है। सो यहाँ पे जो लीजन ग्लासेस हैं वो भाई हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन जिनको चश्मा लगा होगा भाई उनके साथ क्या सीन है? तो भाई यहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट इसके साथ आती है जो अभी बॉक्स में तो नहीं आएंगी, आपको सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे आप अपने नजर के लेंसेज लगवा सकते हो और वो अटैचमेंट इसके अंदर लग जाएगी। और यहाँ पे एक्सपीरियंस जोन के अंदर इन्होंने अलग अलग पावर्स के सारे लेंसेज लगा रखे, कह रहे भैया सबको ट्राई करवा देंगे। तो जो हमारे तरह थोड़े बहुत अंधे हैं उनको अपने लिए सेपरेट लेंसेज बाय करने पड़ेंगे, अटैचमेंट आपको एक साथ मिलेगी, अगर घर में ज्यादा मेंबर हैं तो आपको ज्यादा अटैचमेंट लेनी पड़ेगी अलग अलग लोगों के लिए। भाई काफी इजी है इसको यहाँ पे लगाना अटैचमेंट को ना, यहाँ पे मैंने अपना फोन कनेक्ट कर दिया और उसकी स्क्रीन क्या क्लियर दिखाई दे रही यार। ओह और इसके अंदर एक और चीज भी है, जो नीचे का विजन है ना वो काफी क्लियर है, तो अगर आपके पास कोई डिवाइस वगैरह तो आप पास से आराम से इसको ऐसे यूज कर सकते हो और सामने देखोगे पूरा AR विजन क्रिएट हो चुका है मेरे फोन का। अब मैं ये एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई मैंने जुगाड़ लगा के अपना फोन यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये हमारा हॉल है और जैसे हम इसको AR ग्लासेस को सामने आते हैं तो उसी हॉल के अंदर ही मेरा फोन चल रहा है सामने। ओ भाई लग रहा है ना तगड़ा, भाई साहब क्या मजा आ रहा है। भाई स्पीकर भी है लीजन ग्लासेस के अंदर, प्रॉपर यहाँ से आवाज आ रही है और भाई इसका रेजोल्यूशन और जो इसके पिक्सल्स वगैरह है ना वो बहुत सही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया ना तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रही इसके अंदर, तो इसने एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह इसको डिटेक्ट कर लिया है। और ये है लीजन 99 की डिसअसेंबली, भाई ट्रिपल फैन वाला सेटअप है इसके अंदर और लिक्विड कूलिंग हमारे को इसके अंदर मिलेगी, पूरा डिसअसेंबल्ड सेटअप है। यहाँ पे मदरबोर्ड हो गया, ये इसका बेस फ्रेम हो गया, ये इसकी टॉप लिड हो गई, तो पूरा लैपटॉप यहाँ पे दिखा रखा है। भाई देख रहे हो कितना छोटा सा मदरबोर्ड है और ये रहा हमारा लैपटॉप और भाई RGB के तड़के। और भाई इसकी सही में जो डिस्प्ले है ना, मतलब अभी आपको ऑन कैमरा तो नहीं पता लग रही होगी लेकिन रियल में इसकी डिस्प्ले जो फील दे रही है ना यार, मिनी LED पैनल है, ओहो क्या ही जबरदस्त। और RGB चारों तरफ, नीचे आगे पीछे कीबोर्ड में, यहाँ पे लीजन के लोगो में भी लाइटें हैं, यहाँ पे स्ट्रिप जो है इसकी यहाँ पे भी लाइट्स है एंड स्पेसिफिकेशन i9 3980HX 4090, मतलब इतनी तगड़ी स्पेक्स। और इस लैपटॉप का जरा साइज देखो, छोटा सा लैपटॉप है, मतलब इतना पतला, छोटा तो नहीं कह सकते पतला लैपटॉप है, बट सही में भाई इसको इन पर्सन एक्सपीरियंस करेंगे ना हमारे पास आएगा तब आएगी असली बातचीत भाई वाली। और भाई ये आ चुके हम टाइम कैप्सूल में, ये जस्ट वहीं पे है जहाँ पे हमारा इवेंट हो रहा था। कह रहे भैया थोड़ा बहुत घूम लो, कुछ थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। यहाँ अंधेरा कर रखा दुनिया भर के प्रोजेक्टर लगा रखे हैं। और ये है हमारे OG कंटेंट क्रिएटर, ये भाई साहब कह रहे घूम लो और कह रहे ना मैं गेम खेलूंगा। भाई मस्त गेम है, लीजन गो लेके घूम रहे हैं लोग, धूप में चश्मा लगाते हैं, बंदा इंडोर में चश्मा लगाता है। अच्छा वही सब अंधेरा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे इन्फिनिटी स्पेस, इस रूम को देख के ऐसा लगता है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, बट ये यहीं तक है। और जिसको थोड़े बहुत नशे हो यहाँ आके ज्यादा नशे कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब इधर बेसिकली एक स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी सी ना, पैनल टाइप लगा हुआ है और उसी का रिफ्लेक्शन सामने आ रहा है, ये मिरर है। और ऐसे मिरर लग के वो इन्फिनिटी, भाई साहब नशे में कोई आ गया तो भाई साहब खत्म है जीवन उसका।
समझ रहे हो आप? पापा में इन बड़े बड़े कैप्सूल में बैठेंगे और सिंगापुर का भ्रमण करेंगे पूरा ऊंचाई पे जाके। अभी ऊंचाई ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। डर क्या आपको डर लग रहा है? ना ना मैं तो एकदम चिल्लो यार, रोज करता हूँ। यहाँ पे जो एक कैप्सूल है ना, इसके अंदर एक साथ 25 लोग आ जाते हैं और दूर से देखने में छोटा सा लग रहा था ये हम चढ़ चुके हैं इस कैप्सूल के अंदर और अंदर से ये कुछ इतना बड़ा है। यहाँ पे सीट्स लगा रखी हैं और फुली एयर कंडीशन फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे है स्क्रीन, यहाँ पे सारा गाइडेंस होगी और यहाँ पे सबने कैमरे खोल दिए अपने। भेड़ बकरियों की तरह व्लॉग बना रहे। 165 मीटर हाइट पे आ चुके हैं हम। यहाँ से देख रहे हो सिंगापुर का क्या व्यू आ रहा है। और यहाँ पे हमारे हाथ में है लेनोवो लीजियन गो। देख रहे हो हैंडहेल्ड गेमिंग मतलब हो सकती है कहीं पे भी। देखो दुनिया कितनी छोटी है। पूरा दिन घूम के होटल आ चुके हैं और ये क्या है? अरे ये क्या गिफ्ट बाजी चल रही है भाई? भाई ये कुछ एक्साइटिंग लग रहा है। ओह इट्स लीजियन गो एंड लीजियन ग्लासेस एज वेल। मैं तो अभी खोल दूंगा इसको भाई। अनबॉक्सिंग तो अभी कर देते हैं ठीक है। अपने स्टूडियो जाने का वेट हमसे नहीं हो पाएगा। भाई देखो एक्सपीरियंस भले ही कर चुके हूँ लेकिन जो एकदम ब्रांड न्यू आइटम की फील होती है ना, हाँ हाँ हाँ, क्या ही जबरदस्त। विद कैरिंग केस और ये आई थिंक चार्जर है इसका। यहाँ पे हमारे को 65 वॉट का चार्जर मिलता है और भाई ये इंडियन यूनिट नहीं है, यही की सिंगापुर की यूनिट है। आप देख सकते हो प्लग दूसरा है इसका और ये टाइप सी चार्जर है। वो भाई साहब कपड़ा सुपैद सुपैद। अरे भाई क्या जबरदस्त। अभी बंद करो कैमरा, हमें इसको एक्सपीरियंस करना है। अरे नहीं नहीं लीजेंड ग्लासेस तो रही गए अभी। वो और इसके अंदर भी भाई केस मिलता है डेडिकेटेड। ये रहे हमारे लीजेंड ग्लासेस और ये भी भाई टाइप सी कनेक्शन के साथ आते हैं। ओके एक क्लीनिंग क्लोथ, एक्स्ट्रा नोज टिप्स, एक्स्ट्रा अटैचमेंट फॉर लेंसेस और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ है, ये मैं बाद में देख के बताऊंगा। ओके सो वी हैव लीजियन गो एंड लीजियन ग्लासेस, को करते हैं एक्सपीरियंस और अब सीधा आपसे पूरी टेस्टिंग के बाद मिलेंगे इन डेप्थ रिव्यू के साथ। परफेक्ट।